अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जिब्रान अली भट्ट और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स क्लब में। नाज़रीन, स्पोर्ट्स क्लब का नाम है BST स्पोर्ट्स क्लब। इस स्पोर्ट्स क्लब में हम उनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे बात करते हैं कि उनका ये टूर्नामेंट कराने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? सर बताइएगा, आपका ये टूर्नामेंट कराने का मकसद क्या है? एक्चुअली ऐसा है कि टूर्नामेंट करवाने का मकसद मेरा ये है कि नई जो न्यू जनरेशन है इनमें शौर पैदा हो, इनमें बेहतरी पैदा हो और ये जो ड्रग्स के नाम पे जो चीज़ें बिक रही हैं इनसे दूर रहें। ठीक है, जब तक ये क्रिकेट हम अपने स्काफत को लेके चलेंगे नहीं तो ये तो बंद हो जाएगा काम सारा। इसलिए हम इस टूर्नामेंट को लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ऐसे काम आगे भी हम करते रहेंगे। ये बताइएगा, इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? मलक मुबशर, गुलाम फरीद, शहबाज उर्फ बादशाह। इस टूर्नामेंट का जो इख्तिताम है वो आपके मुताबिक कब तक हो जाएगा? इंशाल्लाह 12 बजे, आज रात 12 बजे तक। ये बताइएगा, इसमें आपने इनाम वगैरह भी कोई रखे होंगे? नादरीन, ये थे अली भाई, अब हम बात करते हैं बादशाह भाई हैं जो स्पोर्ट्स क्लब के हेड हैं, ओनर हैं BST के, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस टूर्नामेंट के इनाम वगैरह उन्होंने क्या ऐड किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। बादशाह भाई, ये बताइएगा कि आपने इस टूर्नामेंट करवाने का मकसद क्या है? सर बेसिकली शाहदरा टाउन का एरिया पहले ही लिस्ट के अंदर अगर देखा जाए खबरों में, या करप्शन से बड़ा है, करप्शन है, कत्ल गारत है और यहाँ पे नशा बहुत है, तो हमने ये कोशिश की है भाई यहाँ पे इसमें बेहतरी लाया जाए, क्रिकेट को फ़रोग दिया जाए ताकि ये जो नस्ल हमारी जुए की तरफ रुझान है वो क्रिकेट में आए, स्पोर्ट्समैन है, एक तो एक्टिविटी आएगी प्लस उनकी बॉडी फिटनेस अच्छी होगी प्लस उनका पाकिस्तान के लिए उनका बेहतर फ्यूचर हो जाएगा इंशाल्लाह। ये बताइएगा, ये जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तमाम टीमें इधर की मुकामी हैं या बाहर से भी? नहीं सर, इंशाल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे लाहौर से हमारे पास टीमें खेल रही आ रही हैं, कोई वापडा टाउन से है, कोई जोहर टाउन से है। हमने पूरे लाहौर को इनवाइट किया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस आपके सामने है, पूरे लाहौर ने हमें अच्छा रिस्पांस किया। टोटल कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस ऑर्गेनाइज में? सर टोटल तकरीबन 32 टीमें हैं और इंशाल्लाह ताला इनाम भी हमने अच्छा रखा हुआ है। इनाम तो बेसिकली एक हौसला अफजाई होती है, इनाम तो इनको नहीं दिया जा सकता इनकी क्रिकेट का, लेकिन फिर भी हमने उनको अच्छा इनाम दिया है ताकि उनकी हौसला अफजाई रहे। फर्स्ट इनाम आपने क्या रखा हुआ है? सर मैंने रखा हुआ है 20,000 फर्स्ट इनाम है और 10,000 सेकेंड इनाम है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा है कि इधर के जो ओनर हैं बादशाह भाई, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की है और उनका कहना था कि इनाम भी हमने अच्छा रखा हुआ है। बेसिक मकसद इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने का है कि इस इलाके में जो जराइम वगैरह जो भी मसले मसाइल है उनको ख़त्म करने का, और टीमें भी माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी खेल रही हैं। हमारे पास एक टीम मौजूद है, हम उनके जो कप्तान हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन भाई, आप किस टीम से खेल रहे हैं? ये प्रॉपर्टी डीलर की टीम है हमारी, बट प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर थे। और स्पॉन्सर कौन कर रहा है आपको? जी ये बट प्रॉपर्टी डीलर वारी स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप वारी ले चुके हैं? जी हमने ये अभी मैच खेला है, 4 ओवर में 51 किए थे, तो दूसरी टीम को हमने आउट क्लास ही कर दिया, तकरीबन 8 रन उन्होंने किए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप ये बताइएगा कि जो आपने टूर्नामेंट खेला है आपका बताएं कि आपका क्या है कि ये टूर्नामेंट होने चाहिए मजीद भी? जी बिल्कुल होने चाहिए, क्रिकेट से आगे या कोई भी स्पोर्ट से आगे कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ये चीज़ें होती रहेंगी तो बाकी सब जो है जो 2 नंबरी है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। जी ठीक हो गया। तो ये देखे आपने, जीतने वाली एक टीम है टूर्नामेंट में जो पार्टिसिपेट किया हुआ है, उन्होंने कुछ देर पहले जो हमें हमसे गुफ्तगू की है, इसके बाद हम रशियन टाइगर यहाँ एक टीम है, उनके कप्तान हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कैसे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उस्मान। किस टीम से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रशियन टीम से। आपने जो है वो खेल लिए गेम? जी जी इंशाल्लाह जीत लिया, पहला मैच जीत लिया हमने। पहला मैच जीत लिया आपने, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा, ये टूर्नामेंट आपने खेला है, आपको कैसा खेल के फील हुआ है इस इलाके में, इस हजूम में जैसे आपने किया, क्या इस तरह के टूर्नामेंट मजीद होने चाहिए? जी जी इंशाल्लाह होना चाहिए, टूर्नामेंट बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ी अच्छी इंतजामी है माशाल्लाह। पहला मैच उन्होंने खेलना है बड़ा माशाल्लाह, बड़ा अच्छा इंतजाम किया उन्होंने, तो मैं भी कहूँगा आगे से हर मंथ करवाएँ या हर वीक करवाएँ, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए, बड़ा प्यारा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह करवाएंगे। जी तो नाज़रीन, आपने ये भाई की भी बात सुनी है, इधर इसी तरह और क्रिकेट तमाशाई भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसा इधर माहौल फील कर रहे हैं, कैसा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद इरफान। इरफान भाई बताइएगा, आप इधर क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आप देखने के लिए आए हैं? मैं देखने भी आया हूँ और खेलने भी आया हूँ माशाल्लाह। ये शाहदरा में जो है ना, ये फर्स्ट टाइम जो है ना इनडोर क्रिकेट है माशाल्लाह। ये जो न्यू जनरेशन है उनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये जो नेगेटिव कामों की तरफ मनशियात नशा दूसरी जो है ना ये जराम पेशा लोगों में है, इनके लिए बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज़ किया माशाल्लाह। आप इसी तरह
इसको ऑर्गेनाइज करें और ये जो है ना अच्छी जो है ना स्पोर्ट्स आजकल की जनरेशन को मिल सके इंशाल्लाह। जी तो नाजरीन आपने इधर जो तमाशा ही है क्रिकेट का माहौल देखने के लिए आए हैं, हमने उनका भी इंटरव्यू किया है, उनसे भी पूछा है, और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को जरा बैक जो इस टाइम मैच हो रहे हैं कैमरामैन जरा कैमरा उधर की तरफ घुमाए और दिखाए ताकि जो अभी भी लाइव मैच जो हो रहे हैं वो देख रहे हैं आप। इस और नाजरीन ईद की जो इंतजामिया है उनका कहने का मकसद ये है कि इस तरह के टूर्नामेंट हम मजीद आगे भी ऑर्गेनाइज करेंगे। आज फर्स्ट उन्होंने टूर्नामेंट इस ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया है और इधर का माहौल उनको बहुत अच्छा लगा है, आवाम को भी माहौल अच्छा लगा है, आवाम का कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट मजीद होने चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।